नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इसके अलावा इस बीमारी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों को याद करने के लिए भी इस दिन को मनाया जाता है। एड्स एक पुरानी बीमारी है जो HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से होती है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV के कारण शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और लोग संक्रमण और बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। अगर शुरुआती अवस्था में इसका इलाज नहीं किया जाता तो ये एड्स के रूप में शरीर में विकसित हो जाता है। आमतौर पर ये असुरक्षित यौन संबंध, HIV वाले व्यक्ति के संपर्क में आए इंजेक्शन या उपकरण को साझा करने से हो सकता है। मानव शरीर HIV से छुटकारा नहीं पा सकता है क्योंकि दुनिया भर में अभी तक फिलहाल HIV का कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। विश्व एड्स दिवस 2021 का इस बार का थीम है असमानताओं को समाप्त करें, एड्स खत्म करें। आपको बता दें, विश्व एड्स दिवस पहली बार 1 दिसंबर 1988 को मनाया गया था। इस दिन को पहली बार 1987 में एड्स पर वैश्विक कार्यक्रम के लिए 2 सार्वजनिक सूचना अधिकारियों जेम्स W. बन और थॉमस नेटर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अभियान के पहले 2 सालों में विश्व एड्स परिवारों पर एड्स के प्रभाव को उजागर करने के लिए बच्चों और युवाओं के विषय पर केंद्रित किया गया था। 1996 में UN AIDS ने विश्व एड्स दिवस के संचालन को अपने हाथों में ले लिया और इस पहल के दायरे को 1 साल के रोकथाम और शिक्षा अभियान तक बढ़ा दिया। HIV पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम संक्षिप्त रूप से UN AIDS 1996 में अस्तित्व में आया और फिर विश्व एड्स दिवस का आयोजन किया गया। विश्व एड्स दिवस का मकसद HIV या एड्स से ग्रसित लोगों की मदद करने के लिए धन जुटाना, लोगों में एड्स को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना, एड्स या HIV से पीड़ित लोगों के खिलाफ हो रहे भेदभाव को रोकना और एड्स से जुड़े मिथ को दूर करते हुए लोगों को शिक्षित करना है। आपको बता दें, एड्स के लक्षण में बुखार, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश होना, थकान, कमजोरी, बढ़ी हुई ग्रंथियाँ, लाल चकत्ते, रात में पसीना आना और अनजाने में वजन कम होना शामिल है। ऐसे में एड्स के लक्षण अगर किसी व्यक्ति को महसूस होते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क जरूर करें ताकि समय रहते ही इस बीमारी का उपचार किया जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।